जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। वाजिब नहीं है ऐसे महान व्यक्ति का। एक चीज उसका कुछ याददाश्त जो आप उनके साथ, डॉक्टर ईरानी का कुछ ऐसा चीज बताइए। अरे प्रणाम प्रणाम। जो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। देखिए अभी तो एक बात बता रहे हैं कि जिस दिन वो एडमिट थे और केबिन में, उसके दो केबिन के बगल में मैं भी एडमिट था और शुगर के चलते वो एडमिट था, तो उन्होंने मैंने कहा भाई आप स्टील हैं, कंपनी को उस समय में बचाया है जबकि काफ़ी कंपटीशन का नरसिम्हा राव का समय था जब प्राइम मिनिस्टर थे और पूरा विश्व एक बाजार हो गया था। उस समय कंपटीशन ज़्यादा हो गया था और उस समय कंपनी लड़खड़ा रही थी, उस समय डॉक्टर जे ईरानी ने कंपनी को बचाया। मैंने कहा, उन्होंने कहा थैंक यू, लेकिन वैसे महान व्यक्ति का जाना जो पद्मभूषण से भी उनको प्राप्त था, और ऐसे आदमी बहुत कम आते हैं दुनिया में, हमेशा याद किए जाएंगे मजदूर जगत में। महान डॉक्टर जे रानी जी, बहुत सब एक दिन तो सबको जाना ही होता है, कोई बड़ा महान रहे कोई सामान्य रहे। मेरे शहर के प्रति डॉक्टर रानी का लगाव था, उन्होंने टाटा स्टील कंपनी को पूरे दिनों में उबारा था, और इसके अतिरिक्त उनकी सामाजिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ थे। आज जो साईं मंदिर बड़ा दिखाई पड़ रहा है, उसको अकेले उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। हम सभी से लगाव था और उनकी बुद्धि याददाश्त इतनी तेज थी। याद था मैं एक बार 1997 में जब बिहार एक था, पटना में एक मीटिंग में हम बैठे थे, और 2012 में भेंट हुई तो उन्होंने पूरी तरह से बताया, चर्चा किया। तो शहर के लोगों का एक मार्गदर्शक उठ गया है, एक भरोसा था कि रानी साहब ने हर व्यक्ति को हम अपने जा कर की बात कह सकते हैं, बता सकते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो भी उनके शुभचिंतक हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनको सोच सहने की शक्ति दें। डॉक्टर जे जे रानी नागपुर में जन्मे और छोटा नागपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। नाम जमशेद रानी, जमशेदपुर में मृत्यु हुई, पार्वती घाट में जा रहे जिसका उद्घाटन करा था, वो भी जिस दिन मृत्यु उस दिन आपको छठ पर्व का उद्घामी सूरज गया था। इतने महान व्यक्तित्व का आदमी जो पूरे राज्य को औद्योगिक विकास के लिए अपनी भूमिका अदा की है, उसके लिए उनके याददाश्त, क्योंकि आप एक विज्ञान दृष्टिकोण से और सब तरफ से देख रहे हैं। डॉक्टर जे जे रानी जी को एक बहुत ही कुशल और कड़क प्रशासक के रूप में शहर जानता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में इन्होंने इस कंपनी का प्रभार लिया, और ना केवल टाटा स्टील बल्कि देश के कई स्टील कंपनियों को इन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, पद्म भूषण से सम्मानित, और शहर के लोगों के दिलों में राज करने वाले, सदैव एकदम केवल और केवल प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार से शहर का निर्माण किया जाए, सौंदर्यकरण किया जाए, शहर का विस्तारीकरण किया जाए, इस परिदृश्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। और आज हमारे बीच नहीं है, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए आज पूरा शहर एकदम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देखेंगे किसी भी वर्ग से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उन्हें अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और डॉक्टर जे जे ईरानी जी सदैव हम लोगों के मन में, स्मृति में उनका यादगार बना रहेगा। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। जन्म नागपुर में, डिग्री ब्रिटेन में, और जन्म स्थान कर्म स्थान और मृत्यु जमशेदपुर में। डॉक्टर जे जे रानी वह पर्सन थे जिन्होंने दिखाया कि आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो डॉक्टर जे जे रानी से। उस समय 1919 का दौर था और भारत सरकार ने वह विदेशी
भारत की अपनी मार्केट को खोल चुका था और विदेशी कंपनी भारत में आकर अपने व्यापार कर रहे थे। उस समय इंडस्ट्री को बचाना बहुत ही कठिन था। उस समय का दौर में टाटा स्टील को बचाने के लिए भी बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत थी। 1700 करोड़ रुपये का प्लांट था CRM प्लांट, जो कोल्ड रोलिंग मिल है, और 1700 का प्लांट था कर्नाटक में धारवाड़ में, जो इंडिका का प्लांट था। लेकिन इंडिका का जो प्लांट था वह फेलियर हो गया और 1700 जो प्रोजेक्ट का प्लान था टाटा स्टील, वह सक्सेस हो गया था। उस सक्सेस का मेन कारण था डॉक्टर जे रानी। उन्होंने मार्केट को समझा और उस हिसाब से टाटा स्टील को ढालने का कोशिश किया, जिसके कारण आज अगर टाटा स्टील ग्रोथ कर रही है तो डॉक्टर जे रानी का इसका योगदान कोई भूल नहीं सकता। डॉक्टर जे रानी का सख्त कदम जो आने वाले समय में दिखा दिया कि मैनेजमेंट को भी सख्त कदम लेना पड़ता। उसी समय BRSS CSS लाया गया, जो एम्प्लॉय के प्रति बहुत अधिक रोष हो चुका था और सब एम्प्लॉय डॉक्टर जे रानी को बहुत हीन दृष्टि देखते थे। लेकिन समय का वह मान कि एम्प्लॉय बचाना है या कंपनी को बचाना है, तो डॉक्टर जे रानी ने वह डिसीजन लिया और कंपनी को बचाया, और कंपनी को बचा कर टाटा स्टील वह विश्व की कीर्तिमान स्थापित कर गए जिनका योगदान जे रानी ने किया। आज उनका अंतिम विदाई हो रहा, जिसके लिए हम लोग न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।